सो है गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू राजन। तो गाइस, हम करने वाले कुछ इस तरह की एडिटिंग, इस तरह की फोटो एडिट कर सोनी जैक्सन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाले। तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो बनाते, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। तो गाइस, हम लोग एक के सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है और सिंपली ऐड फोटो पर जाएंगे, अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसे कटआउट टूल का इस्तेमाल करके इसके बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे। तो हम इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने बैकग्राउंड को परफेक्टली इरेज कर लिया है। तो हम इसे अपनी सिंपली एडजस्ट कर देंगे बैकग्राउंड पर और इस पर अच्छे से एडजस्ट करेंगे, जिससे लगे कि ये सीट के ऊपर बैठा हुआ है। इसको ऐसे डन कर लेंगे। फिर हम एड फोटो पर जाएंगे और ये पॉपकॉर्न वाली पीएनजी लेंगे और इसके बाद हम सिंपली इसे अपने हाथों पर एडजस्ट कर लेंगे। इस फोटो के लिए आपको कोई सी भी बैठ कर फोटो पोज वाले खिंच वाले नहीं है। तो देखिए, हमारे ये एडजस्ट हो गया। अब हम इसे डन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ऐड फोटो पर जाएंगे और उस बैकग्राउंड को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और उसमें बीच वाली चेयर को कट कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे। तो ये हम कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे अपने आगे वाले पैरों के ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद हम इसे इरेज कर लेंगे हल्के हल्के। तो गाइस, देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, एकदम रियल लुक लग रहा है। तो हम इसे डन कर लेंगे और फिर इसे हम ड्रॉ टूल में जाएंगे। ड्रॉ टूल में जाकर हम इसे सेव कर लेंगे और हम अपने लाइट रूम में चलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लिया है। हम सिंपली इस ब्राइटनेस वाले बटन पर जाएंगे और इसमें ऑटो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इसमें एक्सपोजर को कम कर देते हैं, 43 रख लेते हैं। इसके बाद से हम हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, -80 रख लेंगे। इसके बाद से हम शैडो को भी कम कर देंगे, 7 रख लेते हैं। उसके बाद से वाइटिंग को हम कम करके चेक करेंगे, फिर देखें 4-4 रख लेते हैं। फिर उसके बाद से ब्लैक्स को भी हम कम कर लेंगे, -20 रख लेते हैं। उसके बाद हम कलर वाले बटन में, इसमें हम टेम्परेचर को 10 रख लेंगे और टिंट को 6 रख लेते हैं माइनस, और वाइब्रेंस को हम 13 रख लेते हैं, और सेचुरेशन में हम -5 रख लेंगे। फिर मिक्स वाले के ऊपर चलेंगे, इसमें हम इस वाले का पूरा ह्यू माइनस कर देंगे और इसका पूरा सेचुरेशन माइनस कर देंगे। फिर उस नेक्स्ट वाले का, इसका हम पूरा ह्यू माइनस कर देंगे और सेचुरेशन भी पूरा माइनस कर देते हैं। फिर ग्रीन वाले का, इसका हम फुल सेचुरेशन माइनस कर देंगे, इसका ह्यू माइनस करेंगे और इसका ह्यू माइनस करके सेचुरेशन भी थोड़ा सा माइनस कर देंगे और लुमिनस भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। उसके बाद से हम चलेंगे ऑरेंज वाले पे, इसमें हम सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और लुमिनस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद से हम इसे डन कर लेंगे। उसको हम चलेंगे क्लियरिटी वाले ऑप्शन के पास, में क्लियरिटी को 30 के आसपास रख लेना, 35 या 30, और विग्नेट को हम 20 के आसपास रख लेंगे और शार्पनिंग को हम 10 या 14 के आसपास रख लेते हैं और नॉइस रिडक्शन को हम 10 या 8 के आसपास रख लेंगे। तो देखिएगा, जब हमारी फोटो कंप्लीट हो चुकी है, पहले कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।